हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बंदर से अगर कभी आप लोग नहीं मिले होंगे तो ये वही बंदर थे और अभी भी वही हरकत है। क्या हरकत है? बंदर वाला। क्या हरकत? बंदर वाला। बकवास बंदर। यू बकवास बनकर, यू बकवास बनकर। सो गाइस, आई होप यू कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस, मतलब फैन ऑन रहते भर में भी पसीना कंटिन्यू आ रहा है। सो गर्मी में बच्चे ग्लूकोन डी वगैरह पीते रहे। और गाइस, अभी हमारा ना रूम पूरा गर्म हो रखा है, तो अभी हम लोग छत पे जाने वाले हैं और पूरा छत को भींगाएंगे। करने वाले हाइकर। हेलो, मैं कब से इनको बोल रही हूँ कि ब्लॉगिंग स्टार्ट कीजिए, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस जब मैं स्टार्ट करूँगी तो उसको बिगाड़ने के लिए आ जाना है। बना तेरा काम है, बिगाड़ना मेरा काम। हाँ हाँ, ना अपना काम पे ध्यान दे। सो गाइस, मैं कपड़ा पहले चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद फिर छत पे चलती हूँ, तो फिर आप लोग से वहाँ मिलती हूँ। सो गाइस, मैं आ गई हूँ छत पे। बोतल पकड़ी ना, अब मैं लेके आई हूँ मिक्सचर, बैठ के मैं खाऊंगी। अब बुगू, आप यहाँ से लेकर पूरा छत एकदम जम के भींगाइए, ठीक है? खैर, गर्मी के टाइम में ना छत पे रहने का मज़ा ही अलग है, मज़ा आ रहा है। थोड़ा अंदर, मतलब नीचे से थोड़ा ना अच्छा फील हो रहा है, ठंडा हवा भी आ रहा है। चलिए, आप शुरू हो जाइए पाइप। अच्छा, पति देव से मैं काम कराना शुरू कर दी हूँ, वो पाइप लगा रहे हैं। हम लोग का रूम ना एकदम यहाँ पे कॉर्नर के पास, इधर किचन है, तो ये दोनों तो भींगना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना बाकी है। अंधेरा अंधेरा लग रहा बुगू। नीचे चलो, खाना नहीं, नहीं नहीं आ रहा, नहीं नहीं आ रहा। ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा तो हम खा के सो जाएंगे, खा के फिर सो जाएंगे जल्दी। हमने छत को पूरा भिंगा दिया है और ये गधी बैठ करके, हम मिक्सचर और किशमिश बैठ करके, क्या बोला जाता है, फरमाइशी तो हे हे ओ हो। चलो उठाओ सब, अब जा रहे हैं नीचे। ये चली, ये चली। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हम लोग सुबह सुबह छत पे आए हैं टहलने। हम लोग टहल चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, क्योंकि मुझे झाड़ू वगैरह लगाना है, अभी मैं नहीं लगाई हूँ। आज तो दिन टूट ही नहीं रहा था, चौहान जी जबरदस्ती तोड़वाए, उठो उठो उठो, और छत पे लेके आ गए तोड़। ऐसे मैं अभी करेंटली हमारा रूटीन यही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। करेंटली रूटीन यही है हमारा कि अभी हम लोग सुबह जल्दी उठ जा रहे हैं, गर्मी भी हो गई है तो इस वजह से, लेकिन फिर भी थोड़ा आलस तो आता है, अभी भी बॉडी में बहुत आलस है। अभी भी कोई बोले जाके सो जा तो पट से जाके सो जाएंगे, लेकिन सो नहीं सकते, अब नहीं सोना। फिर मैं जाती हूँ झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, ब्रश करूंगी तो मेरा नेल टूट जाएगा। चले बुगो, नीचे चले बुगो, बुगो सुन ही नहीं रहे, मेरा कोई पुकार नहीं सुनता। बेचारी अबला नारी हो गई हूँ मैं। खैर, आप उसे नीचे जाकर बात करते हैं।
सो गाइज, मैं छत पर से आ गई थी एंड हम लोग दोनों ने पूजा भी कर लिया, सारा काम खत्म। अब जा रही हूँ खाना बनाने। राधे राम राधे 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 राधे। गुड मॉर्निंग गाइज। गाइज, मैं जब भी इनको देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है मैं कि मारूं ऐसे ऐसे। तो आपको पता है मैं बहुत पिटाती हूँ इनको। लड़का मैं को पूरी बोलते हैं, मेरा बाल पक गया है तो मैं क्या करूं। मेरा बाल ना बहुत छोटे से वाइट है। एक तो तेरा इतना था मुंह है, है? एक था मुझे ढक जाएगा है? गिरे उड़ियाँ। सबसे अच्छा आनंद मैं यही रहता है जमीन पे लग जाओ। तो चले, अब मैं खाना बनाना है मेरे को। हाँ तो पूजा हो चुका है गाइस, बताइए पूजा हो गया? हाँ पूजा हो गया। हाँ तो पूजा हो चुका है, चले जल्दी जल्दी खाना बनाने, ऑफिस निकलना होगा। यस यस। तो मेरा मदद कर, मेरा मदद कर दीजिए। मदद क्या करें, कुकर है, कुकर दो दीजिए। चलो भाग भाग, दिमाग खराब कर रही है। पता है गाइस, मेरे को सबसे ज्यादा मतलब किसी चीज से इरिटेशन होता है किचन में, तो वो है कुकर धोने से। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है। तो चौहान जी, आप धो दीजिए ना। मैं शादी ब्याह को एक दाल भात बजा खेल रही है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए तो शादी करे, अगर खुश रहना चाहते हैं तो शादी ना करे। अब मेरे साथ खुश नहीं है? खुश है, खुश है, दिख रहा है खुशी। यही खुशी है। मेरे साथ हमेशा खुश रहते। आप खुश हैं? हाँ हम खुश हैं। अगर खुश नहीं है तो बोलिए, उसका इलाज है मेरे पास है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अच्छा, अभी तो बहुत खुशी खुशी होता है, लेकिन कभी ना कभी लाइफ में दुख तो होता ही है। तो आप किसे शेयर करेंगे, आपका कौन सुनने वाला है? घर में और परिवार नहीं रहता है? नहीं, सब रहते हैं, लेकिन आपको सबसे करीब से जानने वाली आपकी पत्नी होती है। समझे? बीवी लोग कभी कुछ गलत बोलती है। चलिए ठीक है, तो आप जल्दी मेरा कुकर धो दीजिए। बीवी का सारा जवाब सही, कोई जवाब गलत नहीं। अच्छा, मेरा कुकर धो दीजिए पहले भी जल्दी सा, क्योंकि ये है पूरा कोट कुकर। एक नीचे भी कुकर, दोनों कुकर का। तो मैं जाती हूँ अभी जल्दी से, मैं खाना बनाती हूँ, उसके बाद आप से मिलती हूँ। मगू हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। नहीं, दोनों को मिलजुल के काम करना चाहिए। गार्डन गार्डन के साथ काम मर्ज करवाते रहते हैं। सारा काम कहाँ कराते? आपका ऑफिस का भी काम तो हम थोड़ा बहुत करते हैं ना, दोनों मिलके करेंगे तो जल्दी सब ठीक होगा ना। हाँ ठीक है, तो मुंह जहर जैसा करके वीडियो बना रहे अपने पति को भी अपने कामों में थोड़ा उलझा के रखे। अच्छा बुबू, लेडीज के साथ साथ जेंट्स को भी काम करना चाहिए। हाँ इधर ताकत हो तो बिल्कुल। हम मैं बताती हूँ क्यों करना चाहिए। अगर मान के चलिए कि आपके घर में कोई लेडी बीमार हो गई, जो काम करती है, सब कुछ देती है आपको, घर का खाना पानी सब हाथ में देती, अब वो अगर बीमार हो गई तो आप क्या करेंगे? आप तो मान के चलो कि आप बाहर जाके खा लोगे, ठीक है? अब वो बेचारी क्या खाएगी? तो इसके लिए पहले से जेंट्स लोग को काम करने के लिए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हैं, अब मैं इतना जोर से बीमार पड़ी थी तो आप मेरा कितना हेल्प किए थे। अगर आप पहले से आपको नहीं आते रहता तो आप कैसे करते? ऐसा हो नहीं सकता था कि नहीं आते रहते, सब आते रहते। नहीं आता है ना, किसी किसी को नहीं होता है। होता है? नहीं होता है। मौका चलिए, मेरा भुजिया जल रहा है, बाय। सो गाइस, आज मैं आप लोग को एक बात बताने वाला हूँ कि आप लोग के घर में खाना कैसे बनता है, आप लोग की वाइफ बीबियाँ कैसे खाना बनाती है। मेरे घर में देख सकते हैं कि ये क्या मॉडल चश्मा भी लगा हुआ है।
अब चश्मा वश्मा लगा के पूरा रेडी वेडी हो करके देख सकते हैं। फिर आप लोग की बीबी ऐसे बनाती हूँ। रोटी गोल हुआ देखे ना। हाँ तेरा रोटी गोल हुआ है, इसका रोटी आज गोल हुआ है। होता खुश हो रही है। और ये कौन दिखाते हैं स्टाइल, देखिए ये दो दो चीज़ मेंटेन करती है, दो तावा। तो देख सकते हैं आप लोग ना क्या जमाना आ गया। मुझे जाना है बाहर गाइस, और ये ना अभी इनको रोटी सू जाएगी, अभी रोटी बना के दोगे। क्यों खाना नहीं दोगी क्या? चावल खाए हमको, रोटी खाना है तो रोटी खाना है। तो रोटी के लिए अब मैं तैयार हो रही हूँ, उसके लिए अब दूसरा थोड़ी कपड़ा पहनूं। बहुत गर्मी भी है गर्मी तो इसमें क्या भूल गया, बंद कर दो इसको। हो गया और क्या, तो हो गया है ना। तो ये रहा भुजिया, लाजवाब जोरजा जिंदाबाद। यही रोटी गोल है, टेढ़ टेढ़। अच्छा ये वाला रोटी गोल है। अब सीख गई तुम, ये पिट्ठा है। ये पिट्ठा या पत्थर सूख गया वो, रात में ठीक था ना, रात में टेस्टी भी लग रहा था। ये आम का कुच्चा रात में सच में टेस्टी लग रहा था।